300 कार्यकर्ताओं ने आज लोकल रूट पर बसें न रोके जाने के विरोध में हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार का पुतला फूका और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक लोकल रूटों पर बस स्टॉपेज होने के बावजूद भी बसें नहीं रोकते, जिसके कारण स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी समस्या झेलनी पड़ती है। परिवहन मंत्री ने बीते दिनों समालका में कहा था कि सभी स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी, लेकिन मंत्री के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। समालका जाके बोलता कि यहाँ पर 22 तारीख को समालका 22 दिसंबर को समालका में गया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बसें रुकेंगी, वो आज तक नहीं रुक पाई। उनके नियमों की अवहेलना की जा रही है, पूरी तरह से परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। अगर हम बात करें लोकल रूटों की, जिनकी तरफ जाने वाली बसें हैं, यहाँ पर बसों की संख्या बहुत कम है। बसों के ड्राइवर कंडक्टर यहाँ लोकल रूट है जितने मतोड्डा की तरफ जाने वाले हैं, वहाँ कहीं पर भी बसें नहीं रुकते। इनके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया और पुतला जलाया है। कहाँ लड़कियों की हैं, पेपर से पहले थी, अब पेपर खत्म हुए भी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रेगुलर वो बसें नहीं चलाई गई हैं।